दोस्तों, अगर आपका भी RCET का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को है या फिर 21 फरवरी 2021 को है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब जो RCET के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं वो उन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं जिन्होंने अपना RCET का फॉर्म तो सबमिट करवा दिया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बंद होने के कारण न तो उन्होंने कोई प्रैक्टिकल क्लास ज्वाइन करी और न ही कोई थ्योरी क्लास प्रॉपरली लगा पाए, तो जिनकी वजह से उनका RCET का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से अनकम्प्लीट हो गया। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर आपको RCET की बुक्स में से लेसन वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन आपको फाइनली एग्जाम तक प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं RCET की बुक्स में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड सिलेक्टेड 40 क्वेश्चन का ये वीडियो। तो दोस्तों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। तो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम फाइनली एग्जाम तक आपको इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार प्रोवाइड करवाते रहेंगे, जिससे कि आपको फाइनली एग्जाम तक काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, एकाधिक वर्कशीट और चार्ट से मिलकर एक एक्सेल दस्तावेज का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सेल में से एक सेल किन वस्तुओं को, एक्सेल में एक सेल में किन वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं? तो हम इसमें शाब्दिक सामग्री संख्या, फॉर्मूला फंक्शन, नंबर, मुद्रा, प्रतीकों, विराम चिन्ह, यानी कि इन सभी को हम एक सेल में शामिल कर सकते हैं, जो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर तीन, टेक्स्ट की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अलाइनमेंट टेक्स्ट को व्रैपिंग और विलय करने आदि को बदलने में उपयोगी है? तो इसका सही आंसर रहेगा अलाइनमेंट ग्रुप। तो दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई यानी कि अल्टर करके भी पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर के साथ साथ क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है भी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और इसका बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है और उसके आंसर को भी बिल्कुल केयरफुली देखना है। तो क्वेश्चन नंबर चार, एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो सही आंसर इसका स्प्रेड शीट। क्वेश्चन नंबर पाँच, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा इसका कंट्रोल प्लस के, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर छः, प्रीडिफाइन फॉर्मूला होते हैं जो कि सवत गणना का कार्य करते हैं? तो सही आंसर इसका फंक्शन, यानी कि फंक्शन प्रीडिफाइन फॉर्मूला होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो सही आंसर इसका कंट्रोल प्लस पेज एप। अगर इससे पहले भी पहले वाली वर्कशीट के बाद में अगर किसी वर्कशीट पे जाना हो तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग। क्वेश्चन नंबर आठ, फॉर्मूला में शुरू से अंत के सेल के एड्रेस द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे किसके द्वारा पृथक करते हैं? तो इसका सही आंसर कोलन। क्वेश्चन नंबर नाइन, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को कहते हैं? तो सही आंसर इसका हेडर। अगर क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाए कि पेज के निचले मार्जिन में जो स्थित टेक्स्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फुटर। तो ऊपर की तरफ से पूछा गया तो इसे हम हेडर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर दस, MS Excel 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नाम है? तो .xlx। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड प्रोसेसिंग को किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो सही आंसर इसका माइक्रोसॉफ्ट का, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा वर्ड प्रोसेसिंग को विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विभिन्न टैब्स पर कमांड्स को संगठित करना और टॉपिक के आधार पर डॉक्यूमेंट कार्यों के लिए कमांड के समूहों को बनाता है? तो बिल्कुल सही आंसर इसका रिबन ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ड डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए कौन सी कीज का इस्तेमाल होता है? तो सही आंसर इसका इंटर कीज का, यानी कि किसी भी पैराग्राफ एंड पे हम इंटर प्रेस करते हैं
तो नेक्स्ट पेज है जो ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर दिखाई देती है उस डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के नाम को दर्शाता है, तो सही ऑप्शन इसका टाइटल बार। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड में व्यूइंग एरिया दिखने वाली स्क्रीन एरिया को घटाता और बढ़ाता है, तो सही आंसर इसका जूम स्लाइडर। क्वेश्चन नंबर 16, किसी लाइन के प्रारंभ में पूंजने के लिए कौन सी कीज का उपयोग करते हैं, तो सही आंसर इसका होम कीज। क्वेश्चन नंबर 17, आप अपने विचारों एवं योजनाओं को अनेक प्रकार से व्यवस्थित कर प्रदर्शित कर सकते हैं, तो टेबल के द्वारा हम अपने विचार और योजनाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 निम्न में से कौन सा टैब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, तो जो डिज़ाइन का जो टैब होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब फॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है, तो जो फॉन्ट मेन्यू बार होता है उसमें फॉन्ट के साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं या फॉन्ट की जो शैली है यानी कि फॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो हम होम टैब में सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने से तात्पर्य है, यानी कि सही आंसर इसका चयनित टेक्स्ट के मध्य भाग में एक रेखा खींचना। अगर किसी के नीचे अगर लाइन खींची जाएगी किसी शब्द के नीचे या किसी पैराग्राफ के तो उसे हम बोलते हैं अंडरलाइन। तो ये टेक्स्ट थ्रू का मतलब किसी भी शब्द के बिल्कुल बीच में रेखा खींचना। क्वेश्चन नंबर 21, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजेक्शन उपलब्ध होते हैं, तो डिजोल्व भी होता है, वाइप कट्स भी होते हैं और स्टैंडर्ड फेड भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, मोशन पाथ क्या है, तो एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि को मोशन पाथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेजेंटेशन का प्रिंट किसके रूप में ले सकते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू, स्पीकर नोट्स या हैंड्स आउट, तो सही आंसर रहेगा इसका बी और सी दोनों, यानी कि स्पीकर नोट्स और हैंड्स आउट्स दोनों के रूप में प्रिंट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्लाइड के पीछे इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप पार्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है या म्यूजिक ऑप्शन आए तो वो भी बिल्कुल सही होता है, यानी कि ऑडियो या वीडियो। क्वेश्चन नंबर 25, यदि उपयोगकर्ता सीधे एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान स्लाइड नंबर 4 पर जाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग होगा, तो सही आंसर इसका 4+ Enter। अगर 5 पर जाना चाहिए तो 5+ Enter, यानी कि एंटर बटन को जरूर प्रेस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 26, पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट बुलेट और शीर्षक को दर्शाता है, तो सही आंसर इसका आउटलाइन व्यू। क्वेश्चन नंबर 27, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल डी, यानी कि एक स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कंट्रोल डी ऑप्शन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है, तो सही आंसर इसका स्लाइड। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट होता है पेज होता है उसे कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी के प्रयोग में लाई जाती है, तो सही आंसर इसका Ctrl+K। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा फाइल का प्रारूप विंडोज पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है, तो .jpg भी हो सकता है, .jpg भी हो सकता है, .wav भी हो सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन हमको पावर पॉइंट में जोड़ सकते हैं। तो GIF की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ग्राफिक्स इंटर चार्ज फॉर्मेट, और JPG की जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये फुल फॉर्म भी कंपटीशन एग्जाम में या RCET के एग्जाम में या CCC के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बुलेट्स एंड नंबरिंग टूल्स को उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सही आंसर इसका लिस्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है, तो लाइन स्पेसिंग भी टेक्स्ट से संबंधित है, मार्जिन चेंज भी टेक्स्ट से संबंधित होता है और टेक्स्ट स्पेसिंग भी टेक्स्ट से संबंधित होता है, यानी कि सर्चिंग ऑप्शन है जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं रखता है, तो सही आंसर इसका सर्चिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा मेन्यू कॉलम्स बनाने के उपयोग होता है,
निम्न में से कौन सा मेन्यू कॉलम्स बनाने में उपयोग होता है? तो सही आंसर इसका फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 34, एमएस वर्ड में किस लेआउट में पेज का मार्जिन दिखाई देता है? तो सही आंसर इसका प्रिंट लेआउट में। क्वेश्चन नंबर 35, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट की मिनिमम और मैक्सिमम साइज होती है? तो ये बात हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हो रही है, तो इसमें जो मिनिमम जो साइज होता है वो हम 8 कर सकते हैं और जो मैक्सिमम वो 72 कर सकते हैं फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेटिंग टूल बार में। क्वेश्चन नंबर 36, एमएस एक्सेल 2007 में एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए निम्न में से किन तरीकों का उपयोग किया जाता है? तो फुल स्क्रीन रीडिंग भी सही ऑप्शन है, प्रिंट लेआउट भी है और वेब लेआउट भी है, यानी कि उपरोक्त सभी 2007 के डॉक्यूमेंट को हम इन तीन तरीकों से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल से संबंधित है? तो स्लाइड ऑप्शन पावर पॉइंट के लिए होता है और स्प्रेड शीट है जो एक्सेल से संबंधित होता है, तो सही ऑप्शन उसका हो जाएगा स्प्रेड शीट। क्वेश्चन नंबर 38, वेब के लिए एक इंटरेक्टिव पिवट टेबल बनाने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेब नामक एक घटक का उपयोग करते हैं? तो सही आंसर इसका पिवट टेबल रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 39, एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सेल में वर्णों की संख्या गिनता है? तो सही ऑप्शन हो सकता है एलटी, यानी कि एलटी एक फंक्शन है जो कि सेल में वर्णों की संख्या को गिनता है। क्वेश्चन नंबर 40, एक्सेल में सेल में करंट डेट दर्ज करने का शॉर्टकट क्या है? यानी कि शॉर्टकट कीज हम इसे कंट्रोल प्लस और ये इस टाइप के सेमीकोलन को निशान अगर प्रेस करेंगे तो उस सेल के अंदर आज की जो हमारी करंट डेट होगी एज पर कंप्यूटर डेट के अनुसार वो डेट वहाँ पे ऑटोमेटिक ही प्रिंट हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक वो जो है टाइप हो जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर कंपटीशन के एग्ज़ाम में RCET और CCC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर देना। वीडियो कैसे लगी आप ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।